खास बात में स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते आज की सुर्खियों पर। रविंद्र भवन में हुआ अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन, कवि ने अपनी कृतियों से किया मंत्रमुग्ध। आसनसोल के सांसद बाबुल सुप्रियो को मिला केंद्रीय मंत्री पद, शिल्पांचल के भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी। और आसनसोल में हुआ टीएमसी का कार्यकर्ता सम्मेलन, कई वरिष्ठ नेता हुए उपस्थित। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। आसनसोल के रविंद्र भवन में अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। यहां देश के कोने कोने से सुप्रसिद्ध कवि पहुंचे। रविवार रात को आसनसोल के रविंद्र भवन में स्वाति फाउंडेशन की ओर से हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। देश के विभिन्न प्रदेशों से नामचीन कवि यहां पहुंचे तथा हास्य और व्यंग की कुछ ऐसी कृतियां पेश की जिन्हें सुनकर लोग हंसने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर हो गए। निर्मल आनंद के इस कार्यक्रम की शुरुआत विधायक तापस बनर्जी सहित अन्य हस्तियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर स्वाति फाउंडेशन की अध्यक्षा उमा श्रॉफ, व्यवसायी नरेश अग्रवाल सहित तमाम हस्तियां उपस्थित थीं। देश के विभिन्न प्रांतों से आए अरुण जेमिनी, पद्मिनी शर्मा, ऋतु गोयल, अनिल अग्रवंशी, महेंद्र अजनबी, चिराग जैन जैसे सुप्रसिद्ध कवियों ने अपनी कविताओं से लोगों का मनोरंजन किया। कवि सम्मेलन के पहले हिस्से का संचालन खास बात के एडिटर संजय सिन्हा ने किया। जो आज के विशिष्ट अतिथिगण मौजूद है और भी कुछ अतिथि आने बाकी है, हम एक सत्कार करेंगे। और मैं संस्था की सचिव रजनी अग्रवाल जी है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो कुछ। मैं स्वाति फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ उमा सरा। आज रविंद्र भवन में हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन हम लोगों ने स्वाति फाउंडेशन की तरफ से किया है। इस सम्मेलन में कवि दिल्ली से आ रहे हैं और राजस्थान से आ रहे हैं। दिल्ली से जो कवि आ रहे हैं उनका नाम है चिराग जैन, जो हास्य रस के कवि हैं। अनिल अग्रवंशी है, महेंद्र अजनबी वो भी हास्य कवि है, और पद्मिनी शर्मा है वो श्रृंगार रस की है, ऋतु गोयल है वो संवेदनशील कविताएं लिखती हैं, और विनीत चौहान है वो राजस्थान से आ रहे हैं वो भी रस के कवि हैं, अरुण जैमिनी है वो हास्य कवि है। अच्छा मैडम बताइए, ये आप जो कवि सम्मेलन करा रही हैं। हेलो, आज हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन आसनसोल स्वाति फाउंडेशन की तरफ से किया गया है। देखिए, हम लोग अपने प्रतिदिन के जीवन में बहुत कुछ ना कुछ टेंशन में रहते हैं, कुछ ना कुछ चिंताएं हमें लगी रहती है, तो हम लोगों ने आज आयोजन किया है हास्य कवि सम्मेलन का, ताकि लोग कुछ देर के लिए अपनी चिंताएं दूर करके, चिंताओं से दूर होकर हंस सके, अपनी आनंद मना सके, खुशी मना सके, क्योंकि हर मनुष्य के जीवन में कुछ ना कुछ चिंताएं रहती है। किंतु और दीपावली के उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये किया है, तो एक तरह से क्या है कि सभी का आपस में मिलना जुलना भी हो जाएगा, और लोग यहाँ पे आसनसोल में ऐसा प्रोग्राम होता नहीं है जल्दी से, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना, हम लोग पिछली बार भी हम लोगों ने हास्य कवि सम्मेलन करवाया था, तो हम लोगों ने सोचा कि इस बार भी हास्य कवि सम्मेलन करवाया जाए। लोगों की बहुत रुचि है, किंतु कोई आगे बढ़ना नहीं चाहता इस तरह के कार्यक्रम करवाने में, किंतु हम लोगों ने स्वाति फाउंडेशन की तरफ से आज ये कार्यक्रम किया। अब अपना पूरा परिचय बताइए। मैं उमा सराफ हूँ, आसनसोल स्वाति फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ। मैं रजनी अग्रवाल, स्वाति फाउंडेशन की प्रेजेंट सेक्रेटरी। मैं रुचिका डुकानिया हूँ, स्वाति फाउंडेशन की ट्रेजरर। मैं विद्या गोयल हूँ, मेंबर हूँ। मैं संगीता बंसल, स्वाति फाउंडेशन की मेंबर। मैं इंदु बंसल हूँ, मैं भी मेंबर हूँ। मैं पीनू गोयल, स्वाति फाउंडेशन की मेंबर। शशि शंथालिया फ्रॉम जामुड़िया, मेंबर। तिहारों गौर वरन है रूप तिहारो वीरा धारिणी माँ शारदे, वीरा धारिणी माँ शारदे सरस्वती वंदे शारदे, जगमग जग कर दे शारदे सरस्वती वंदे शारदे सरस्वती। ऋतु गोयल जी के लिए कि इनका आसनसोल से संबंध रहा है नहीं है,
ये आसनसोल की बहू हैं, तो वो संबंध सबसे महत्वपूर्ण है। वो आपकी बहू है, कलकत्ता की बेटी है, तो वो संबंध है। यहाँ ससुराल है ऋतु गोयल की, तो इसलिए सब परिवार का मामला है, हम परिवार में आए हैं। और जिस कवि को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ सबसे पहले, वो हरियाणा का है। चिंता पर मैं फिर माइक में ही लग जाता। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे यहाँ के। दे दो बच्चा, दे दो भाई साहब, माँ तो अपना आराम करेगी, बैठेगी, बाप ही बच्चे खिला रहे। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। वैसे हरियाणा का आदमी इतनी शालीनता से किसी को राम राम कर ले, लोग इस बात की ताली बजा देते हैं। लोगों को उम्मीद भी नहीं होती हरियाणा का आदमी। हरियाणा का बताया मेरे को ऋतु गोयल जी ने, बोले हरियाणा के तो बहुत लोग हैं, वो हरियाणा के दो ही हैं, या तो अरोज जैनली जी हैं या मैं हूँ। बहुत बढ़िया आप सुन रहे हैं और कोई तालियों वालियों की दिक्कत नहीं। ताली भाई साहब मैं बता रहा हूँ, वहां पर सब ताली बजा रहे, जैसे आप बिल्कुल भाईचारे का कवि से मिलने और बहुत अच्छे सब सुन रहे थे भाई साहब। बस एक बैठा ठूठ कति ठूठ, हाँ, और मैंने कहा तू ताली क्यों नहीं बजा रहा, बोला बड़ा आदमी हूँ भाई साहब, आदमी रखे हुए हैं। मैं बोला ये अच्छा नाच किए थे इसने, आदमी ताली बजाने के लिए टेक रखी, इतना बड़ा आदमी। एक कविता और सुनाई भाई साहब, सब हंसे, अगला फिर नहीं हंसा। मैंने कहा भी तेरे को बताई कि तू हंस क्यों नहीं रहा, सारे हंस रहे। बोला बताई तो थी यार, बहुत बड़ा आदमी, बड़ा पैसे वाला हूं, मैंने तो आदमी रख रखे हैं। मैं अच्छा भाई तूने तो हर काम के लिए आदमी टेक रखे हैं, छोड़ते भी क्या बात कर। नहीं, चार पांच दिन बाद भाई वो सड़क पे मिल गया, वही जाते थे। मैंने कहा भाई साहब राम राम। बोला राम राम। मैंने कहा सुना आपकी शादी हो गई, बोला हाँ। मैंने कहा भाई उन पर नहीं गए, आता बड़ा आदमी तो यहां नहीं बैठा है। होते कई बार मंच की स्थिति बता रहा हूं मैं तो, ये तो महिलाएं इतनी शांत बैठी हैं, बाबा बैठे हैं हमारे। ये बाबा वैसे नहीं, मतलब बाबा बहुत किस्म के चल रहे हैं आजकल, ये तो प्रणाम करता हूं मैं चढ़ूंगा। हाँ, बाबा का मुकाबला नहीं, बाबा को वो एक के चला गया बाबा घर पे, तो नया नया बच्चा पैदा हुआ, उसने कहा बाबा इसके जरा इसका बता इसका भविष्य क्या है। अब आपके यहाँ आया, हमारा स्वागत किया गया, सुबह नाश्ता कराया गया, दिन भर कई सारे कार्यकर्ता इस चिंता में लगे रहे कि हमें कोई चिंता ना हो। इतना स्वागत सत्कार आप लोगों का देखा, डीआरएम साहब आए तो कवि सम्मेलन को रोक कर पहले स्वागत किया गया। ये सब परंपराएं हैं साहब, ये परंपरा। माँ बाप का घर छोड़ के आई, और चार पंक्तियां सुनेगा। बंगले के लिए और न बड़ी कार के लिए, बंगले के लिए और न बड़ी कार के लिए, हीरे की अंगूठी न किसी हार के लिए। लड़ लूंगी झगड़ लूंगी मना लूंगी फिर तुझे, लड़ लूंगी झगड़ लूंगी मना लूंगी फिर तुझे, ये सब करूंगी सिर्फ तेरे प्यार के लिए, ये सब करूंगी सिर्फ तेरे प्यार के लिए। खास बात आसनसोल। आसनसोल लोकसभा क्षेत्र के सांसद बाबू सुप्रियो को केंद्र में मंत्री पद मिलने से शिल्पांचल के भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी व्याप्त हो गई। आसनसोल से भाजपा सांसद बाबुल सुप्रियो के केंद्र में मंत्री बनने से शिल्पांचल के भाजपा कार्यकर्ताओं में बेहद खुशी देखी गई। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई दी। सभी के दिल में इस बात की उम्मीद थी कि बाबुल के मंत्री बनने से शिल्पांचल में तरक्की की बहार बहेगी। हालांकि समर्थक इस बात से भी आहत थे कि बंगाल के पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने बाबुल सुप्रियो के मंत्री बनने पर कटाक्ष किया है। स्लोगन स्लोगन अरे स्लोगन स्लोगन करो, स्लोगन दो। ये निश्चित आज के एक आसनसोल वासी जो गौरवान्वित एक जिनिस जरा शिल्पांचले आज एत एत एखान थेके एमपी जीतेछे। প্রথমবার মোদিজি চিন্তা করেছেন যে হ্যাঁ শিল্পাঞ্চলের উন্নতির জন্য একজন এখানে সংসদকে এখানে মন্ত্রী বানানোর দরকার আছে, তার জন্য এখান থেকে বাবুল সুপ্রিয়কে মন্ত্রী বানানো হয়েছে। আর আমি জানি যে খালি বাবুল সুপ্রিয় যে আজকে খালি আমাদের শিল্পাঞ্চলের মন্ত্রী নন, সারা পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী,
সারা ভারতবর্ষের মন্ত্রী আজকে আমরা আমরা নিশ্চিত এটা চাইব বা আমরা জানি ওনার কার্যক্ষমতা আমরা দেখেছি সেই দেখে আমরা নিশ্চিত যে আজকে আমরা যে প্রথম এখান থেকে যেটা আসানসোলকে উৎখাত করার যেটা আজকে যে রাজ্যকে আজকে যারা বিনাশের পথে নিয়ে যাচ্ছে সেই তৃণমূলকে উৎখাত করার জন্য প্রথম কাফিনের প্রথম পেরেকটা আমরা মেরেছিলাম এই আসানসোল থেকে আর এই বাবুল সুপ্রের নেতৃত্বে আমরা শেষ পেরেকটা আমরা কিন্তু ওর কাফিনের শেষ পেরেকটাও কিন্তু আমরা এই আসানসোল থেকেই মারব। খাস বাত উল্টি टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी 28 नवंबर को दुर्गापुर में एक जनसभा का आयोजन करेंगी। इसे लेकर विभिन्न स्थानों पर टीएमसी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। रविवार को आसनसोल के रविंद्र भवन में तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें राज्य के पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी, श्रम मंत्री मलय घटक, लघु कुटीर उद्योग मंत्री सपन देवनाथ सहित टीएमसी से जुड़े और भी कई नेता तथा कार्यकर्ता उपस्थित थे। यहाँ राज्य के मुख्यमंत्री तथा टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के 28 नवंबर को दुर्गापुर में होने वाली सभा की रूपरेखा तैयार की गई। इसके अलावा संगठन को कैसे और मजबूत बनाया जाए इस पर भी चर्चा हुई। ममता बनर्जी रिवार्ड दिले ना पानिशमेंट दिले दफ्तर कैम खेला। दूसरी तरफ दुर्गापुर के नेताजी भवन में भी शनिवार को टीएमसी का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। यहां टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल राय के अलावा मलय घटक, सपन देवनाथ सहित तमाम मंत्रीगण भी पहुंचे। मलय घटक ने इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुटकी लेते हुए उन्हें ट्विटर प्रधानमंत्री बताया। खास बात आसनसोल दुर्गापुर। अभी फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए खास बात। लजीज अब खुल गया है आपके अपने शहर आसनसोल में भी। वेज और नॉन वेज व्यंजनों का मजा लेने के लिए अपने दोस्तों और परिवार के तमाम सदस्यों के साथ जरूर आए। लजीज कोलकाता, बेंगलोर और मुंबई के बाद अब आसनसोल में लजीज द ग्रैंड मल्टी कुसिन ऑफ कैलकाटा फ्रॉम द हाउस ऑफ शिराज रेस्टोरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता जीटी रोड मुर्गासोल आसनसोल। Rhesus is taking your career to the next level. Raniganj Institute of Computer and Information Sciences, affiliated to the University of Burdwan, is offering exclusive BBA honors and BCA honors program for the aspiring students. The Rhesus advantages are best faculties, application-based teaching, industry-integrated, soft skill, workshops, high-tech infrastructure, mentoring, well-stocked library and many more. Last date of taking admission is 20th June 2014. Please contact us, Rhesus Cognitive Campus, 155/1 NH60, near Anandalok Hospital, Raniganj. तनिष्क अब आसनसोल में भी। शादी विवाह हो या फिर कोई भी शुभ घड़ी, अपनों को दीजिए तनिष्क के गहनों का खास उपहार। हमारे यहाँ है डायमंड, सोने चांदी और प्लेटिनम के आभूषणों का विशाल रेंज। आज ही आइए तनिष्क के शोरूम में। तनिष्क 41/75 GT रोड भांगापाचिल आसनसोल 3। फोन नंबर 0341-2300-149 2300-159।
আপনি কি দীর্ঘদিন রোগে জর্জরিত, নানা রকম চিকিৎসা করিয়েও সুফল পাননি? আপনাদের জন্য একটি আশার আলো নিয়ে এলো শকুন্তলা হোমিও হাউস। শকুন্তলা হোমিও হাউসে আপনারা পাবেন হোমিওপ্যাথির অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি। আমাদের এখানে অভিজ্ঞ ডাক্তারদের চিকিৎসার ফলে সমস্ত রকম অ্যালার্জি, সাইনাস, আর্থরাইটিস সহ একাধিক রোগের থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পাবেন। তাছাড়াও এখানে শিশুদের বিভিন্ন রোগের যত্ন সহকারে চিকিৎসা করা হয়। শকুন্তলা হোমিও হাউসের বৈশিষ্ট্য হল এখানে রোগীরা প্রত্যহই বিশিষ্ট চিকিৎসকের সুপরামর্শ পাওয়ার সুযোগ পেয়ে থাকেন। তাই সম্পূর্ণ রোগ মুক্তি ঘটানোর জন্য আজই চলে আসুন শকুন্তলা হোমিও হাউস। আমাদের ঠিকানা বিদ্যাসাগর আবাসন, আমবাগান দুর্গা মন্দির, নিয়ার আসানসোল জেলা হাসপাতাল। ফোন নাম্বার 0341221656, 9732019121 এবং 9474514196। শকুন্তলা হোমিও হাউস, উই কেয়ার। কলকাতার স্বনামধন্য ধন্বন্তরী হোমিও চিকিৎসক পৃথিবী বিখ্যাত ডক্টর প্রকাশ মল্লিক প্রতি মাসে প্রথম বৃহস্পতিবার শকুন্তলা হোমিও হাউসে বসবেন। তাই নিরোগ জীবন পেতে আজ চলে আসুন শকুন্তলা হোমিও হাউস, উই কেয়ার। টুডেজ মিষ্টি মহল আপকে লিয়ে লেকার আয়া হ্যায় স্বাদিষ্ট মিঠাইয়ো কা বিশাল রেঞ্জ। शादी विवाह का आयोजन हो या बर्थडे पार्टी हो, कोई भी शुभ कार्य मिस्टी महल की मिठाइयों के बिना अधूरा है। टुडेज मिस्टी महल स्पेशलिस्ट फॉर स्वीट गिफ्ट बॉक्स, ड्राई फ्रूट्स ट्रे, स्वीट्स एंड स्नैक्स। स्वाद और क्वालिटी ही हमारी पहचान है। वर्षों से आपका भरोसेमंद प्रतिष्ठान टुडेज मिस्टी महल, मुंशी बाजार, आसनसोल। कॉन्टेक्ट नंबर 0341230-6152, मोबाइल नंबर 9434006863, 9332211189। मैं परेशान। क्या आप ग्रहों से परेशान हैं? क्या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है? क्या आपके हर काम में बाधा आ रही है? आपके समस्या के समाधान के लिए आइए विश्व बाबू की दुकान, जीटी रोड, आसनसोल। सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल और अच्छे रत्न ही काम करने की शक्ति रखते हैं। लेबोरेटरी में टेस्टेड ओरिजिनल गारंटी युक्त रत्नों के लिए आइए विश्वभव की दुकान, जीटी रोड, आसनसोल। हर रत्न हमारे लेबोरेटरी में टेस्ट होने के बाद ही आप तक पहुंचता है, जिससे आपको पूरा पूरा लाभ मिल सके। आप हमारे यहाँ कोई भी रत्न टेस्ट भी करवा सकते हैं। हमारे यहाँ आपको मिलता है ब्राजील पन्ना, सिलोनी गोमेद, पित पुखराज, नीला, टोपाज, कैटसाई और हर रत्न और उपरत्न। तो याद रखे, पिछले 40 वर्षों से विश्वास का नाम विश्व बाबू की दुकान, कृष्णा जेम्स सिटी बस स्टैंड के सामने, जीटी रोड, आसनसोल। कॉमर्स भवन में एक स्वास्थ्य शिविर लगाया गया जहां कई प्रमुख हस्तियां मौजूद थी। आसनसोल स्थित चेंबर भवन में रविवार को एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स तथा एचएलजी अस्पताल के साझा प्रयासों से लगाए गए इस शिविर में बड़ी संख्या में व्यवसायियों ने अपने स्वास्थ्य की जाँच कराई। इस मौके पर आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सुब्रत दत्ता, सुनील गुप्ता, नरेश अग्रवाल सहित कई गणमान्य हस्तियां मौजूद थी। থাকলেও করতে আমাদের এখন সাংবাদিক ক্যাম্প खास बात आसनसोल। बंगाल के श्रम मंत्री मलय घटक ने आसनसोल में सेमिनार का उद्घाटन किया। यहां हिंदी के विकास पर आलोचना हुई।
हिंदी अकादमी द्वारा आयोजित इस सेमिनार का बंगाल के श्रम मंत्री मलय घटक ने रविवार को उद्घाटन किया। उषाग्राम के हिंदी भवन में हुए इस सेमिनार में मंत्री के अलावा विधायक तापस बनर्जी, जितेंद्र तिवारी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर अपने वक्तव्य में मलय घटक ने कहा कि राज्य में पिछले 34 सालों के वाम शासन में हिंदी का विकास ठप पड़ गया है। साथ ही इन्होंने आसनसोल में जल्द ही एक हिंदी कॉलेज खोलने का भी आश्वासन दिया। खास बात आसनसोल। जामुरिया में एक महिला की संदिहास्पद परिस्थितियों में मौत के विरोध में स्थानीय वासिंदों ने मोमबत्ती जुलूस निकाला। जामुरिया में स्थानीय लोगों ने मोमबत्ती जुलूस निकाला। ये सभी हाल ही में मृत कनिका के लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे। खबरों के अनुसार कनिका की करीब डेढ़ साल पहले जामुरिया निवासी एक परिवार में शादी हुई थी, मगर आरोप है कि शादी के बाद से ही उस पर दहेज के लिए अत्याचार किया जा रहा था। कनिका के मायके वालों ने उसके ससुराल वालों पर और दहेज के लिए उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है। ये मोनिका कुशवाहा, जितेंद्र कुशवाहा में बीए हुई थी आज थी डेढ़ बरस आगे। वार उपरे प्रथम दिन थी मैंने कुड़ी दिन पर थी वार उपर अत्याचार शुरू है। मार बारे बारे जेतम नहीं आते नहीं एलम ओके हॉस्पिटल भर्ती कर पेपर गुलो आज ওদের বারে বারে ডিমান্ড ছিল কিছু চাই কিছু চাই। এখন যে অবস্থা আছে কিছুদিন আগে থেকে ওই মেয়ের বাবার ক্যান্সার রোগী দিতে পারলো নাই ও ওরা দেখলো। আর খাস বাত জামুরিয়া। আসানসোল কে এক নিজি সংস্থা কে বিদ্যার্থীও নে শহর কে বিভিন্ন ইলাকো মে সাফাই অভিযান চালায়া। জর্জ একাডেমী কে বিদ্যার্থী ভি পুরো দেশ মে চল রহে স্বচ্ছ ভারত মিশন অভিযান মে শামিল হুয়ে। इन्होंने रविवार को हटन रोड, राहा लेन समेत शहर के कई इलाकों में सफाई अभियान चलाया। साथ ही कूड़ेदानों को भी रंगने का कार्य किया। उधर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी निर्मल कर्मकार के नेतृत्व में माजियारा में सफाई अभियान चलाया। वहीं दूसरी तरफ बर्नपुर स्थित सुभाषपल्ली क्षेत्र में भाजपा की ओर से सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें बड़ी तादाद में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। खास बात आसनसोल बर्नपुर। भारत में संगीत के विधाओं की कोई कमी नहीं है, बिरहा भी इनमें से एक है। ढाका में लोक गीतों की इसी विधा का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारत में जितनी तरह की परंपराएं हैं, उतनी ही तरह का संगीत भी है। उन्हीं में से एक है बिरहा। ये भोजपुरी लोक गीत है जिसके बोल और गाय की दिल को छू जाती है। शनिवार शाम को धादका इलाके में भगवान श्री कृष्ण लोक सांस्कृतिक समाज की ओर से बिरहा गीतों का कार्यक्रम रखा गया, जिन्हें सुनकर श्रोताओं की बहुत सी भूली बिसरी यादें ताजा हो गईं। खास बात आसनसोल। अभी फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए खास बात। ELES Medispa Private Limited and ISO 9001:2008 Certified Company. এলিয়েন্স নিয়ে এসেছে আপনাদের কাছে মেডিকেটেড স্পা, অ্যারোমাথেরাপি ম্যাসাজ, ডিপ টিস্যু ম্যাসাজ, হট অ্যান্ড কোল্ড স্টোন ম্যাসাজ, সুইডিশ ম্যাসাজ, থাই হার্বাল কম্প্রেস, ফুট রিফ্লেক্সোলজি, ইয়ার ম্যাসাজ অ্যান্ড হেড স্পা, ফেস স্পা, জাকুজি বাথ, সোনা বাথ অ্যান্ড অলসো স্টেম বাথ। ইএলিগেন্স মেডিস্পা প্রাইভেট লিমিটেড, আমাদের দুর্গাপুর ব্রাঞ্চ, সিটি সেন্টার 9609600936, বিধাননগর ব্রাঞ্চ 9851000803 অ্যান্ড অলসো ইন আসানসোল। ডক্টর কমাল কা ঘর জো ভি দেখতা দেখতা রহ জাতা, দিওয়ারো কি খুবসুরতি দেখকর হর কোই কহতা কমাল কা হ্যায় ডক্টর কমাল কা ঘর। ইসকা রাজ জাননা চাহেঙ্গে আপ? इसका राज है लॉफ्टी पेंट्स। यह किसी साधारण पेंट से कहीं ज्यादा बेहतर है। विशाल रेंज, बेजोड़ क्वालिटी,
सपनों को दीजिए नया रंग लॉफ्टी पेंट्स के संग। मेक्स योर होम अ पैराडाइज, लॉफ्टी पेंट्स। अगर आपको जॉब की तलाश है तो आपके लिए है एक सुनहरा अवसर। आसनसोल के कॉल सेंटर को चाहिए फीमेल ऑपरेटर्स जो हिंदी और अंग्रेजी में बात कर सके। एज 18 से 30 वर्ष, फिक्स सैलरी एंड इंसेंटिव, नो टारगेट। मिनिमम 10वीं पास कैंडिडेट संपर्क करें 9832916733। खाने पीने के शौकीनों के लिए खास नाम कमल फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ आप हर वैरायटी के वेज और नॉन वेज व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। इंडियन, चाइनीज और प्योर देशी आइटम्स खास आपके और आपके पूरे परिवार के लिए। स्वाद ऐसा कि आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। बच्चों के लिए झूलों और शानदार लॉन की सुविधा। आपके शहर का एक जाना पहचाना नाम कमल फैमिली रेस्टोरेंट, फतेहपुर आसनसोल। कॉन्टेक्ट नंबर 9434847140। फ्लाईओवर हो या ब्रिज, मकान हो या डैम, मजबूत ढलाई का पहला नाम बर्नपुर सीमेंट। आपके लिए डबल बेनिफिट सीमेंट, ढलाई बेमिसाल, चले सालों साल। बर्नपुर सीमेंट एंड ISO 9001 कंपनी। टीएमसी नेता गुलाम सरवर ने उर्दू साहित्य से जुड़े एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में कई विशिष्ट साहित्यकारों ने शिरकत की। आसनसोल नगर निगम के पूर्व MMIC गुलाम सरवर की ओर से उर्दू साहित्य से जुड़े एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। टीएमसी नेता अभिजीत घटक सहित तमाम लोग यहां मौजूद थे। इस मौके पर किताब का भी विमोचन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न स्थानों से साहित्यकार और कवि यहाँ पहुँचे। जिनके याद में आज ये प्रोग्राम हो रहा है, मास्टर सुल्तान साहब वो हम लोगों के विचार नहीं है, लेकिन उनके जो हैं वो जरूर हमारे बीच रहे हैं। खास बात आसनसोल। आसनसोल के एक स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां अलामा इकबाल और मौलाना अबुल कलाम आजाद को श्रद्धांजलि दी गई। आसनसोल के हाजी कदम रसूल स्कूल में एक कोचिंग सेंटर द्वारा अलामा इकबाल और मौलाना अबुल कलाम आजाद को उनके जन्म दिवस पर याद किया गया तथा श्रद्धांजलि दी गई। समारोह के दौरान इस शिक्षा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी को पुरस्कार भी दिया गया। खास बात आसनसोल। खास बात के बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।